है व्हाट्स अप गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो यार, बहुत सारे भाई मेरे जो RC 200 BS6 ले रहे हैं वो कंफ्यूज हैं। इसमें बहुत सारा चेंजेस कर दिया है। देख रहे हो, खाली खाली सा ये सब हो गया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं लोग, यहाँ जो एग्जॉस्ट फेयरिंग आता था BS4 में, BS6 में मिसिंग है। और वो यार सीरियसली थोड़ा इंजन को भी प्रोटेक्ट करता था और कवर रहता था, थोड़ा अच्छा लगता था। तो आज ये प्रॉपर वीडियो उसी का होने वाला है। बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं, सो आज इस वीडियो में बताएंगे इसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है और देखेंगे इस वीडियो में। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यार एक बात और बता दें, इस गाड़ी से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है और उसका प्लेलिस्ट बनाया है अलग से, इवन सारी बाइक्स का है। तो यार आप लोग ना एक बारी प्लेलिस्ट चेक कर लो, क्या पता आप लोग जो वीडियो सर्च कर रहे हो वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो एक बार आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। और अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर लो मुझे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे एक अच्छा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और वहाँ बातचीत भी अच्छे से हो जाती है। और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए वो भी मेरे को सजेस्ट करना इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, बहुत सारे जो मेरे भाई लोग हैं वो BS6 में BS4 की बहुत सारी एसेसरीज मिस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो BS6 का जो साउंड है वो टोटली चेंज है। बहुत सारे मेरे भाई हैं, इवन बहुत सभी लोग मिस कर रहे हैं BS4 का जो साउंड है BS6 में, क्योंकि BS6 में एग्जॉस्ट का साउंड बिल्कुल दबा दिया है ही नहीं, फील नहीं आ रहा है वो। तो एग्जॉस्ट के ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है। अगर आप BS6 में भी एग्जॉस्ट चेंज करवाना चाहते हैं, आपके इंजन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, माइलेज पे ना पड़े, तो आप लोग एक वीडियो देखो, यहाँ पे आई बटन में आ रहा होगा, उस वीडियो को मैंने प्रॉपर एग्जॉस्ट वाली वीडियो बनाया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और मेन इस वीडियो को बात करते हैं एग्जॉस्ट फेयरिंग। BS4 में आप लोग देख रहे होंगे ये जो खाली गैप है, इतना गैप नहीं रहता था, वो काफ़ी कवर था। और यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फेयरिंग आता था जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता था, डिसेंट लगता था, थोड़ा इंजन को भी प्रोटेक्ट करता था। बट यार BS6 में क्या प्रॉब्लम है, आप लोग थोड़ा नज़दीक आओ, मैं दिखाता हूँ। इसमें जो है एग्जॉस्ट का जो एग्जॉस्ट है ना, वो यार ऐसे घूम के नीचे की तरफ से आ रहा है। इधर आप देखेंगे, थोड़ा पास लाना, ये जो पाइप है ना वो नीचे से ऐसे आ रहा है, और BS4 में जो है वो पाइप इधर से है। तो इस वजह से ही, यही एक रीज़न है कि इसमें जो एग्जॉस्ट फेयरिंग है वो नहीं लग पाएगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि BS4 का एग्जॉस्ट फेयरिंग लेकर के हम BS6 में लगा दें, तो वो वाला BS4 का फेयरिंग इसमें नहीं लग पाएगा। ये हम शोरूम गए थे और वहाँ से हमने पता किया और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया, फिर आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि इस BS6 में BS4 वाला फेयरिंग लगा पाएंगे या नहीं, सो BS4 का फेयरिंग तो इसमें लगा नहीं पाओगे, क्योंकि इसका जो एग्जॉस्ट है वो बिल्कुल नीचे से है और BS4 में अपसाइड से था। अब रही बात, यहाँ कुछ टैपिंग वगैरह अगर आप करवा सकते हो, या बहुत लोग पूछ रहे हैं यहाँ कुछ मॉडिफिकेशन करवाओ आप। सो यार अभी तो मेरे को कुछ लगा नहीं कि यहाँ पे क्या टैपिंग करवा सकते हैं, क्या मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। बट आगे अगर कुछ लगेगा मेरे को, कुछ सजेशन मिलेगा आपके थ्रू, किस टाइप का यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो मैं ज़रूर करवाऊंगा और दिखाऊंगा। और यार इस गाड़ी में मैंने बहुत सारी एसेसरीज़ लगवाई हैं और बहुत कुछ करवाया है, उस सब का मैं प्रॉपर वीडियो बनाया हूँ और सबका वीडियो मेरे चैनल पे है, आई बटन में भी है। और इन बाइक्स पे जो जो एसेसरीज़ लगाई हैं, ये सारी एसेसरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं। मैंने मोबाइल चार्जर लगवाया है, फ्लैशर लाइट लगवाया है, फिर इस पर एक लेमिनेशन भी करवाया था प्रोटेक्शन के लिए, स्क्रैचेस वगैरह ना लगें, उसकी भी प्रॉपर वीडियो है। सो, ये थी आज की फेयरिंग वाली वीडियो। और यार मेरे को सजेस्ट करो, बताओ इसमें क्या मॉडिफिकेशन करवानी चाहिए मुझे। सो, मैं ज़रूर करवाऊँगा और उसकी वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा। और यार नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए वो भी मेरे को बताओ। और इस वीडियो को ये एंड करते हैं, आई होप अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और वहाँ पे अच्छे से बातचीत हो जाती है। सो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, पीस एंड लव।